हरे कृष्ण। मंदाकिनी नदी के डिसेंड की और किस प्रकार से अनुसुईया ने उस प्रदेश को पूरी तरह से बंजर होने से बचाया, इसकी कथा सुनने के बाद आगे की कथा सुनने के लिए राम और लक्ष्मण के मतलब कान एकदम खड़े हो गए थे। और सीता राम और लक्ष्मण के इस उत्साह को देख करके और अच्छे से बताने लगी, कहने लगी, बहुत पहले उग्र श्रवस नाम का एक ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम शीलवती था। उग्र श्रवस ना जाति से तो ब्राह्मण था, वर्ण से, लेकिन वो अपने इंद्रियों को और मन को दमन नहीं कर पाता था। लेकिन शीलवती जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा सत्यनिष्ठ और पतिव्रता थी। अपने पति को छोड़ करके और उसका कोई दूसरा यही नहीं था, सब कुछ अपने पति के लिए। लेकिन उग्र श्रवस अपने साधुत्व को छोड़ करके अपने बेस मेंटालिटीज रजोगुण तमोगुण काम क्रोध लोभ की ओर बहुत जल्दी भटक जाता था। फिर भी शीलवती ने अपने पति का साथ को कभी नहीं छोड़ा। कालांतर में अतीव भोग की आदत के कारण उग्र श्रवस के अंग प्रत्यंग गल गए, फिर भी भोग की इच्छा नहीं गई। ऐसे में भी शीलवती अपने पति के सारी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। एक दिन उग्र श्रवस की इच्छा हुई उस जगह की, उस प्रांत की सबसे अच्छी वैश्या के साथ संग करने की, और यह इच्छा उग्र श्रवस के मन से जा ही नहीं रही है। उग्र श्रवस इतने बेशरम हो गए कि उन्होंने इस इच्छा को अपनी पत्नी शीलवती के साथ शेयर किया कि मेरी इच्छा है कि मुझे उस वैश्या का संग करना है। शीलवती इस इच्छा को सुन करके इतनी दुखी हो गई, अपने मन में इतनी शर्म हुई उसको, लेकिन फिर भी उसे अपने माँ के वक्तव्यों की याद आई। जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी माँ ने कहा था कि याद रखो शीलवती, एक स्त्री के लिए उसका पातिव्रत्य ही सब कुछ है। उस पातिव्रत्य के बल पर स्त्री वो कर सकती है जो कोई पुरुष कभी सोच भी नहीं सकता। इन्हीं वचनों को याद करके शीलवती ने अपने मन को बहुत गंभीर किया और अपनी कमर कस के अपने पति को प्रैक्टिकली, मतलब उग्र श्रवस के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने से चल पाए, शीलवती के ऊपर अपना पूरा बोझ डाल करके उग्र श्रवस चल रहे हैं और शीलवती उन्हें धीरे 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 सहारा लेकर के उस वैश्या के पास लेके जा रही है। सोचिए क्या प्रसंग है। इसी बीच इस सारी चीजों से अनभिज्ञ उसी जगह से थोड़ी दूर मांडव्य ऋषि का आश्रम था। मांडव्य ऋषि साधु, बहुत घनिष्ठ तपस्वी, लेकिन उनके यहां पर जब वो साधना में बैठे थे तब कुछ चोर आए और चोर उनके आश्रम में छुप गए और लूट का सामान था उनके साथ, और मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो सारा लूट का सामान राजा की लूट का था, राजा के कोष से लूटा गया था। तो राजा के सैनिक भागते भागते आए, उन्होंने देखा एक ऋषि साधना कर रहे हैं, वो उनके आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद में उन्होंने चोरों को देखा, चोरों को देखा और धन को देखा, तो उनको लगा उन सोल्जर्स को, सिपाहियों को, कि ये ऋषि भी उनके साथ ही होंगे। वो सबको पकड़ करके राजा के पास लेके गए, जिनमें मांडव्य ऋषि भी थे। मांडव्य ऋषि को देख करके राजा ने इतनी खरी खोटी सुनाई, उसको लगा कि अरे तुम एक साधु होकर के ऐसे कुकृत्य करते हो, मैं तुम सबको सूली पर चढ़ाने का, तुरंत तत्क्षण सूली पर चढ़ाने का आदेश देता हूं। सूली मींस नीचे से एक ऐसा खंबा होता है जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, उसको अच्छे से ऑयल किया जाता है और एक व्यक्ति को जिसको सूली पर चढ़ाया जाने वाला है उसको उसके गुदद द्वार को, जहां से हम स्टूल पास करते हैं, उस जगह को उस पॉइंट पर रख करके खींचा जाता है नीचे। उस प्रकार से उसकी पूरी अतड़ियां और पेट और सब कट करके वो लहूलुहान होकर के मर जाता है। बहुत दर्दनाक मौत है वो। तो सारे
चोरों को और मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सारे चोर मर गए लेकिन मांडव्य ऋषि अपनी योगिक शक्ति से जिंदा रहे। मांडव्य मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, वो सोच रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसी बीच में भगवान शिव आए। भगवान शिव ने मांडव्य ऋषि को लंबी आयु का वरदान दिया, लेकिन उन्हें वो सूली से पता नहीं क्यों निकाला, सूली नहीं निकाला। सूली से निकालने से पहले शिव जी अंतर्धान हो गए। मांडव्य ऋषि को वेदनाएं केवल उस सूली पर हिलने से हो रही हैं, उनके शरीर से कोई खून अब नहीं बह रहा है शिव जी की कृपा के कारण। शरीर ठीक है लेकिन वो नीचे उतर नहीं पा रहे, और सूली से अब मतलब सूली अगर का खंभा अगर हिलेगा तो उन्हें बहुत दर्द होगा। इसी बीच में रात हो गई। रात होते होते पूरे इसमें अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने के बाद में जहां पर मांडव ऋषि और उन सारे इनको चोरों को जहां सूली दी गई थी वहां पर शीलवती और उग्रश्रवस जाने लगे। उग्रश्रवस रात में दिख नहीं रहा था, उनका पैर उस सूली को पड़ा जिसके ऊपर मांडव ऋषि थे, और सूली के हिलने से मांडव ऋषि को इतना तेज झटका लगा, इतनी आक्रांत वेदना हुई, उन्होंने आंख खोल करके देखा नीचे एक ऋषि हैं, नीचे एक दंपति जा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे मूर्ख तुझे पता नहीं चलता मैं यहां पर सूली पर लटका हुआ हूं, देख नहीं सकता नीचे, मैं श्राप देता हूं तुझे, कल का सूरज तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब शीलवती सोच रही है कि आगे क्या होगा, एक पति के न रहते हुए क्या एक पत्नी का अस्तित्व ऐसा ही नहीं है जैसा इस साधु का है जो सूली पर चढ़ा हुआ है, केवल दुख दर्द और कराहना ही है। शीलवती ने उस समय ऐसा किया जो पहले कभी नहीं सोचा था किसी ने। उन्होंने लंबी सांस ली और अपनी आंखों से आंगारे निकालते हुए जोर से आवाज में कहा कि अगर मैंने अपने पूरे जीवन भर अपने पति की सेवा पूरे मन से की है, अगर अपने पति को छोड़ करके किसी और को एक क्षण के लिए भी अपने मन में नहीं लिया है, अगर मेरा पातिव्रत्य अखंडित है तो कल का सूरज नहीं उगेगा। मांडव्य मुनि वॉज जैप्ड, उग्र श्रवस ऑल्सो वॉज जैप्ड। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, विल सी टुमारो।